ये स्टेटमेंट दिए कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो हम कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, ये हमारे देश का इलेक्शन है, ये हमारे देश का जमहूरियत का इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तरह यहां पर मिलिट्री इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती इमरान खान, ये भारत का इलेक्शन है जहां पर जनता तय करती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको घर में बिठाना। इमरान खान, याद रखो, अगर तुम भारत के इलेक्शन के ताल्लुक से ये बयान दे रहे हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम अकलियत हो, चाहे धनगर समाज के लोग हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हम सब एक होकर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की ये हिम्मत कि हमारे इलेक्शन में वो बोले इमरान खान खड़े होकर कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अरे सुनो इमरान खान, सुनो मोदी, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान में बैठ कांग्रेस वाले ने मैं सारा चैलेंज दे तो सोलापुर तक जीतकू दाखवे बड़ा सुना जीतकू तुम्ही हरलात की संपलात, तुम्ही हरलात की संपलात, मी हरलो तरी या ठिकाणी जिवंत राहतो हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे हरण्याचा सर बळकुटेपणा दाखवलं का? शरद पवार, बारामती हे मैदान आहे, बारामती तुम्ही आम्हाला जिंकूनच दाखवा। तुमचं होमटाऊन आहे सोलापूर मध्ये, येऊन सांगत की हरवा म्हणून मी आव्हान आपल्याला आश्चर्य देतोय, मी आव्हान आपल्याला आश्चर्य देतोय की बारामती आपण असणार यावेळी जिंकून दाखवावी, जेवढा पैसा खर्च करायचा असेल तेवढा।